हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में अंतिम एक दिन ही बचा है तैयारी करने के लिए आपके पास, और आज के दिन अपने 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। पेपर इसमें से ही आएगा, सभी क्वेश्चन रट कर जाना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब की बार एसएससी एमटीएस करना है हमें पार। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? देखिए, कौन सा जो आर्टिकल है ना, वो स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, ये हमें बताना है। तो ये करता है आर्टिकल 19, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है MA गणपति को। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन को किस तारीख को शुरू किया गया था? देखिए, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः एक सेब में जो है ना, किस प्रकार का जो अम्ल है वो मौजूद होता है? देखिए, एक सेब में जो है ना, मैलिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूर्मा जो ऐप है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कूर्मा ऐप का उद्देश्य है टर्टल्स कंजर्वेशन, कछुआ संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका 1 है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? ब्यूटेन का जो आणविक सूत्र होता है वो C4H10 होता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण यह इसकी विरामावस्था या गत्यावस्था में किसी भी बदलाव का विरोध करता है? इसे हम जड़त्व बोलते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या होने पर कार्य होता है? इनमें से एनर्जी, ऊर्जा होने पर जो है ना कार्य होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक, जो यूनिट होता है वो एक ही होता है, जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, मानसून के प्रकार की एक जलवायु है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जो है ना, जिंक जमा किया जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कृष्ण देव राय जी को जाना जाता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती हैं? देखिए, समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार प्राप्त करती हैं, क्योंकि अणुओं द्वारा पृष्ठीय तनाव के प्रयोग के कारण जो है ना, बूंदें हमेशा गोल आकार प्राप्त कर लेती हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर को सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सास बहु मंदिर के नाम से सहस्त्र बाहु मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इनमें से क्या क्या शामिल होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि भी होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन भी होता है, इलेक्ट्रॉनों का हाशय भी होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ये तीनों ही शामिल हैं, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में जानकारी दी गई है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में हमें दोस्तों समुद्रगुप्त शासक के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौबटिया में
डस्ट लीक नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन भारत किस देश के साथ किया? तो ये दोस्तों किया गया भारत ने उज्बेकिस्तान देश के साथ। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता? देखिए, अपीलीय, मूल और सलाहकार, ये तीनों जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। जो फाइनेंशियल, वित्तीय जो होता है, ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपने त्याग पत्र को संबोधित करना चाहिए। किसे करना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को करना चाहिए। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, जो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या की रात, अमावस्या की रात को होता है। ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूट लिया? 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो है ना महमूद औफ गजनवी ने आक्रमण किया और उसे लूटा। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? विजयनगर साम्राज्य के साथ जो स्थान जुड़ा हुआ है वो है हम्पी। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ, धूल और छोटे चट्टानी कणों का ढीला संग्रह कहा जाता है? बर्फ, धूल और छोटे चट्टानी कणों का जो ढीला संग्रह होता है इसे हम धूमकेतु कहते हैं। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घरों को किसका उपयोग करके बनाया गया था? सिंधु घाटी के घरों को ईंट का उपयोग करके बनाया गया था। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग की एसआई इकाई क्या होती है? आवेग की एसआई इकाई होती है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे वन जो है ना ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? 24वें जैन तीर्थकर थे भगवान महावीर। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी वाले बेल आइकन को ऑन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्टिकल है ना वो आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होता है? देखिए, जो आर्टिकल आपातकाल के दौरान कभी भी निलंबित नहीं होता उसे हम बोलते हैं आर्टिकल 20 और 21। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गनिंग फॉर द गोल्डमैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गनिंग फॉर द गोल्डमैन जो पुस्तक है ये आईपीएस अजय पाल लांबा जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे टू जो है ना ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकांश भाग में किसकी कब जो है ना किस महीने में वर्षा होती है? भारत के अधिकांश भाग में जून से सितंबर माह में जो है ना वो वर्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पे टू जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के जो शासक अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने इक्ता कर को समाप्त किया था। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोवियन ग्रहों को किन ग्रहों के रूप में दर्शाया जाता है? जोवियन ग्रह को जो है ना एक शुद्र घेरे के बाद ग्रहों के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये पशुपति जी की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया गया है अभिनेता जॉन अब्राहम को। ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को जो मापने के लिए जो है ना, हम व्हीट स्टोन हेतु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक टूट के भूकंप के बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक टूट के भूकंप के बिंदु को हम हाइपोसेंटर, अवकेंद्र बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका 1 है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सुबोध कुमार जायसवाल को। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक एक मृत उत्तक होता है? तो ये होता है स्क्लेरकाइमा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह किसके शासन राज्य के अधीन था कि मुगल साम्राज्य के तहत क्षेत्र के मामले में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था? तो ये जो था दोस्तों, यह है औरंगजेब के शासन राज्य के अधीन था। ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता एक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन क्या देता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स द डे एंड नाइट, दिन और रात देता है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलता लाउडनेस की इकाई होती है? देखिए बेल, डेसिबल, फोन, ये तीनों ही जो है ना प्रबलता की इकाई होती है। ऑप्शन यहाँ पे 4, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर किस दिन रात और दिन रात और दिन समान होते हैं? तो ये होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? तो ये हुआ था 1175 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली किसकी खोज में भारत आए थे? जो पुर्तगीज हैं, पुर्तगाली, ये मसाले की खोज में भारत आए थे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।